भारत में सलमान का जबरदस्त लुक, बूढ़े शख्स के रोल में दिखे पहली बार। सलमान खान और कटरीना कैफ स्टारर भारत इस साल ईद पर रिलीज होने वाली है। इसे 2019 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक माना जा रहा है। अली अब्बास जफर के भारत का निर्देशन किया है। भारत में सलमान खान अलग अलग लुक्स में नजर आने वाले हैं। भारत से उनके कई लुक सामने आ चुके हैं। अब सलमान खान का लेटेस्ट लुक भारत के सेमीकोलन पोस्टर में सामने आया है। सलमान पहली बार बूढ़े शख्स के किरदार में नजर आ रहे हैं। सलमान खान ने भारत एक अपने नए लुक की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, जितने सफेद बाल मेरे सिर और दाढ़ी में हैं, उससे कहीं ज्यादा रंगीन मेरी जिंदगी रही है। भारत का यह पहला पोस्टर है। इस पोस्टर में 2010 लिखा है। पोस्टर के नीचे कई बच्चे और परेशान लोग दिखाए जा रहे हैं। पोस्टर को देखकर सोशल मीडिया पर फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। पोस्टर पर कमेंट करते हुए फैंस ने इसे ब्लॉकबस्टर बताया है। सलमान खान की फिल्म भारत का ट्रेलर 26 अप्रैल को आ रहा है। फिल्म 5 जून को रिलीज होने का उम्मीद की जा रही है। इस बारे में ट्रेड एनालिस्ट तरुण आदर्श ने बीते दिनों जानकारी भी दी थी। फिल्म के पोस्टर देखने के बाद फिल्म के धमाकेदार ट्रेलर का बेसब्री से फैंस इंतजार कर रहे हैं। फिल्म में सलमान का एक लुक टीजर पहले ही रिलीज किया जा चुका है। फैंस ने इसे हाथों हाथ लिया था। बता दें, भारत का ट्रेलर 26 अप्रैल 2019 को रिलीज हो रही फिल्म एवेंजर्स एंडगेम के साथ अटैच किया गया है। सलमान खान की इस फिल्म को लेकर जबरदस्त माहौल बना हुआ है। बता दें, डायरेक्टर अली अब्बास जफर के साथ सलमान पहले दो फिल्में सुल्तान और टाइगर जिंदा है कर चुके हैं। दोनों तीसरी बार भारत में साथ काम कर रहे हैं। फिल्म का निर्माण अतुल अग्निहोत्री और भूषण कुमार के बैनर तले हो रहा है। फिल्म में सुनील ग्रोवर, दिशा पट्टानी और जैकी श्रॉफ जैसे एक्टर भी नजर आएंगे। इस फिल्म में कटरीना कैफ और दिशा पाटनी एक्शन अवतार में नजर आने वाली हैं।